इस कायनात का एक सबसे बड़ा सच है, और वो ये है कि इंसान जो कोई भी हो और कुछ भी करे, लेकिन जब वो कुछ करने का इरादा करता है तो वो होकर रहता है। दुनिया में कोई भी शख्स बेशुमार और अजीम गलतियों के बगैर अजीम कामयाबी हासिल नहीं कर सका। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो जिम्मेदारी कबूल कीजिए। हर अमल की जिम्मेदारी, नाकामी और कामयाबी दोनों की जिम्मेदारी। लोगों को मौरिद इल्ज़ाम ठहराना बंद कीजिए। नाकामी पर खुद को कोसते ना रहें, नया आगाज करें, क्योंकि दूसरा मौका हमेशा आपका मुंतजर रहता है। किसी भी काम को करने का जज्बा और चाहत की शिद्दत ही इसे बड़ा या छोटा बनाती है। आप कोई छोटी भलाई भी करना चाहते हैं तो उसकी शदीद चाहत ही उसे बड़ा बनाती है। अपने दिन के आगाज और इख्तिताम पर अपनी जिंदगी में मौजूद हर छोटी से छोटी चीज के लिए शुक्र अदा कीजिए। आपको एहसास होगा कि आप किस कदर नेमतों से नवाजे गए हैं। भूल जाएं कि आप कौन हैं और आपके साथ जिंदगी में क्या क्या पेश आया। याद रखें कि आपके पास अपनी जिंदगी बदलने और कामयाब होने का मौका अभी बाकी है। मसले खुद हल नहीं होते, करने पड़ते हैं, और इसके दो तरीके हैं। या तो खुद में हिम्मत तलाश करो या फिर ज्यादा हिम्मत वाले को तलाश करो। जिंदगी में काफी ठोकरें मिलती हैं, लेकिन जिंदगी में अपने पैरों पे उठ खड़े होने का फैसला हमारा अपना होता है। अगर पहले पहल आपको कामयाबी नहीं मिलती तो बार बार कोशिश करते रहें। ये मत सोचें कि आप नाकाम हो गए हैं। यकीन रखें कि कामयाबी दो कदम आगे है।